हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी, जिसमें हम देखेंगे क्लास सिक्स का आज चैप्टर 10, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो चलिए देखते हैं। देखिए, व्यापार और व्यापारियों के बारे में क्या जानकारी दी हुई है। देखिए, अध्याय 9 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ, इन उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां से बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। तो देखिए क्या हुआ है ना, कि अध्याय 9 में हमने पढ़ा था, उत्तर में क्या मिले थे, काले पॉलिश वाले बर्तन मिले थे। मतलब ऐसे बर्तन थे जिन पर काली पॉलिश थी, ठीक है, जिनमें कटोरी और थाली थी। ये हमें कई जगहों से मिले हैं। तो जो व्यापारी थे वो इन्हें और दूसरी जगहों पर ले जाते थे अपने साथ, क्योंकि ये कई सारी जगहों पर मिले हैं। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलती थी उस समय व्यापार के लिए, तो देखिए सोना, मसाले, ठीक है, मसाले हमेशा याद रखिए, दक्षिण भारत में सोना, खास तौर पर काली मिर्च है और कीमती पत्थर ज़्यादा मिलते थे। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो उस वक्त जो रोमन साम्राज्य था वहाँ पे काली मिर्च की काफ़ी ज़्यादा वो लोग पसंद करते थे, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुँचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिनसे यह अंदाज़ा लगाया जाता था कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चलता था। क्या होता था ना फ्रेंड्स, जो रोम था उधर पर हमारी काली मिर्च काफ़ी पसंद की जाती थी, तो वो काफ़ी सोना देकर यहाँ से काली मिर्च खरीदते थे। तो ये व्यापार से जुड़ी एक कविता है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते थे, ठीक है। क्या हुआ, जब समुद्र के रास्ते जाते थे तो व्यापार करने, तो वो कई नए रास्ते भी खोजते हुए जाते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। ये अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। देखिए क्या होता है ना, कि अगर हवाएं अपने उसमें हो, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है, तो ज़्यादा फायदा होता है, आसानी से जहाज चल सकता है। तो इस तरीके से क्या है, ये लोग मानसूनी हवा जो जब चलती थी उस हिसाब से ये व्यापार के समय उसका यूज़ करते थे और जल्दी अपनी यात्रा पूरी करते थे। तो ये क्या था, अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से उस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। तो ठीक है, अगर इन्हें अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट पर जाना है तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ जाएंगे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। अब ये आपको याद रखना है कि उस वक्त हमारा रोम के साथ अच्छा सा व्यापार था। समुद्री तटों से लगे राज्य, देखिए इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भागों में बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। तो देखिए दक्षिण भारत के बारे में बताया गया है, यहाँ पर जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पे दक्षिण भारत में काफ़ी सारा, यहाँ पे क्या है, काफ़ी पहाड़, पठार और नदी है। और जो कावेरी हमारी रिवर है वहाँ का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। व्यापार होने से क्या है, काफ़ी धन संपत्ति भी आ जाती है। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखियाँ हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स के हिसाब से जितने भी आपको शब्द मिल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में अब एंशियंट हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस शब्द का अर्थ बताइए। तो संगम कविताओं में क्या, मुवेंदार एक शब्द मिला है, तमिल शब्द जिसका अर्थ तीन मुखियाँ, ठीक है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर और पांडे। तो इन जो तीन परिवार थे उनके मुखिया के लिए ये शब्द यूज़ किया गया है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे, ठीक है। ये दक्षिण में काफ़ी शक्तिशाली राजा थे, चोर, चेल और पांडे। इन तीनों मुखियाओं के अपने 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 दो दो सत्ता के केंद्र थे। इनके अपने सत्ता के केंद्र थे, इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। तो इनके ये क्या करते थे, ये जो राजा थे इनके दो सत्ता के केंद्र थे, एक तटीय हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्से में। तो देखिए इस तरह छह केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे। अब देखिए, तीन राजा थे, उनके दो दो केंद्र थे सत्ता के, मतलब जहाँ पर उनका मेन वो कार्य करते थे। तो
कितने हो गए, दो राजाओं के दो, सॉरी तीन राजाओं के दो, छह हो गए। इनमें से जो दो थे वो केंद्र, वो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पटना, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चोल जो शासक था उसका एक पत्तन मतलब पोर्ट था, उसका नाम क्या था, पुहार या कावेरी पटना। और दूसरा पांडे की राजधानी मदुरै, ठीक है, मदुरै और जो कावेरी पट्टनम था वो काफी इंपॉर्टेंट जगह थी। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। तो ये क्या करते थे, उपहार मांगते थे कर की बजाय, और क्या अभियानों के लिए निकलते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करके लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। ठीक है, जब कभी हमसे आंसर राइटिंग में, सॉरी जो मेंस के आंसर आंसर आते हैं पूछने के लिए किसी राजा या किसी भी काल के बारे में, तो ये जो चीज़ें होती है ना ये हमें लिखनी पड़ती हैं उसी समय। इसलिए हमें ये ध्यान रखनी है कि वो कर कैसे लेते थे और क्या करते थे। इसलिए आपको मैं पढ़ाने के साथ उसका रिलेवेंस भी बताती जाती हूँ। तो ठीक है, वो कुछ धन क्या करते थे, अपने पास रखते थे, बाकी बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहर, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो देखिए क्या, कुछ कवि क्या करते थे, राजा के उस साथ रहते थे और जो वो उन्हें उपहार देते थे तो वो उनके लिए कविताएं लिखते थे उनकी प्रशंसा में। इस के लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। तो ठीक है, पहले अब तीन महत्वपूर्ण राजा थे, उसके बाद 200 वर्षों बाद क्या हुआ, पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश आया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। तो ये सारी चीजें नोट करने की होती हैं कि सातवाहन राजवंश था, उसका प्रमुख राजा कौन था, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलशी द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। देखिए पहले क्या था कि इतना लिखित स्रोत नहीं थे, तो जैसे हमें अभिलेख मिलते हैं उन सबसे हमें पता चलता है। तो जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था उसकी जो माता थी गौतमी बलशी, उनने एक अभिलेख, उनका दान किए एक अभिलेख से हमें, जो ने मतलब दान किया होगा तो उस पर एक अभिलेख लिखा था, उस पर उन इसके बारे में पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। तो इन्हें क्या कहते थे शासकों को, दक्षिणापथ के स्वामी। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। देखिए दक्षिणा पथ, पथ मतलब रास्ता, तो दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। तो देखिए एक शासक कौन था, सातवाहन का काल भी था, मतलब सातवाहन वंश था, उनको क्या कहते थे, दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। रेशम मार्ग की कहानी, देखिए कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। देखिए रेशम के कपड़े एक तो बनते भी मुश्किल से हैं ना, रेशम के कीड़े से, और वो उस समय काफी उसको मतलब बहुमूल्य मानते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। तो देखिए मैं आपको बताया कि टफ होता है रेशम बनाना। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7,000 साल पहले हुआ। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि सबसे पहले रेशम बना कौन से देश ने रेशम बनाना सीखा, तो चीन ने, चीन में इसका सबसे पहले आविष्कार हुआ था 7,000 साल पहले। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन के से पैदल घोड़े या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया, सिल्क रूट। ठीक है, अभी भी आप पढ़ते हैं सिल्क रूट, है ना। चाइना अभी बना रहा है वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो कर रहा है, तो वो भी क्या है, अपना पुराने रेशम मार्ग पे ही कर रहा है। ठीक है, उसको वो दोबारा बनाना चाहता है। तो रेशम मार्ग क्या था कि देखिए जब चीन में इसका रेशम का आविष्कार हुआ था, तो पहले तो इन्होंने लोगों को नहीं बताया, हजारों साल तक इन्हें छुपाए रखा। लेकिन लोग क्या है, व्यापारी जाते थे इसको बेचने के लिए, और जिस रास्ते से जाते थे उसको कहते थे रेशम मार्ग। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। तो जो राजा होते थे वो भी क्या, दूसरे शासकों को भेजते थे रेशमी कपड़े, मतलब कीमती चीजें दूसरे राजाओं को भेजी जाती थी। ठीक है, इससे क्या हुआ, रेशम की जानकारी और जगह फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। तो देखिए रोम के जो लोग थे वो काफ़ी धनी थे, तो वहाँ पे एक फैशन था रेशम के कपड़े। इनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। देखिए रेशम का कपड़ा दिखने में अच्छा लगता है ना, कलर वाइज
और उससे तो वो उस वक्त क्या होगा, एक फैशन बन गया है। और वो महंगा होता था क्योंकि चीन से लाने में उसे काफी दुर्गम रास्ते से आते थे वो लोग। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। यात्रियों को देखिए यात्रा शुल्क भी देना पड़ता था। देखिए चित्र में भी हम देखेंगे, इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इन रास्तों पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। अब देखिए व्यापारी खूब सारा लाभ कमाते थे तो उन्हें रास्ते के लिए शुल्क देना पड़ता था, और इस रास्ते पर राजा नियंत्रण करना चाहते थे ताकि उनको फायदा मिले, ठीक है, उनकी समृद्धि बढ़े। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। उस वक्त भी व्यापार करना कोई आसान नहीं था, कोई भी लूट सकता था किसी को, ठीक है। उस वक्त तो इतने लॉन्स भी नहीं होते थे, तो जो राजा थे वो इन पर रास्तों पर नियंत्रण रखते थे और जो व्यापारी थे उन उनसे जो लुटेरे होते थे उनके आक्रमण से उनको सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, ठीक है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि सिल्क रूट पे किसका नियंत्रण था, तो जो कुषाण शासक थे उनका नियंत्रण था। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। इनका शासन का था, एक तो पश्चिमोत्तर भारत पे था और मध्य एशिया में था। पेशावर और मथुरा इसके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तो कुषाण के दो मुख्य केंद्र शक्तिशाली क्या नाम था, पेशावर और मथुरा। ये याद आप रखना कि कुषाण थे, उनका जो ये रासा था रेशम सिल्क रूट उस पर उनका नियंत्रण था, ठीक है। और पेशावर और मथुरा इनके केंद्र थे। तक्षशिला भी इसके ही राज्य का हिस्सा था। इसके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। तो देखिए क्या होता था, इनके शासनकाल में सिल्क रूट की एक जो शाखा थी वो मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों, मतलब सिंधु जो नदी थी उसके साइड में जो पोर्ट थे वहां तक जाती थी, ठीक है। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था, मतलब इनके जो राज्य थे उधर से होकर जाता था सिल्क रूट। इस उपमहाद्वीप के सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो कुषाण शासक जो थे उन्होंने। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इसका उपयोग किया करते थे। तो देखिए आप ऐसे इसको जोड़ सकते हैं। देखिए कुषाण शासक थे वो जो सिल्क रूट था उस पर उनका नियंत्रण था कुछ भाग पर, तो उन्हें व्यापारियों से अच्छा धन मिलता था इसलिए उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, है ना। कनेक्ट करके आप ये ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। तो कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, कनिष्क, ठीक है। कुषाण और कनिष्का का से याद रखिए। इन्होंने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। अब देखिए ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, ये आप याद रखिएगा, कुषाण शासक। तो इन्होंने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था जिसमें क्या करते थे, विद्वान एक दूसरे से बातचीत करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो देखिए इनके दरबार में कौन कौन रहता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो कनिष्क के दरबार में थे अश्वघोष, ठीक है, और उन्होंने क्या लिखी थी, बुद्ध चरित लिखी थी। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। पहले देखिए जो बौद्ध ग्रंथ थे वो ज्यादातर जो उनकी प्राकृत और पाली जो भी उनकी भाषा होती थी सामान्य बोलचाल के उसी में ही लिखे गए थे उनके ग्रंथ, लेकिन अब इन्होंने संस्कृत में लिखने शुरू किए। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। तो बौद्ध धर्म की नई शाखा सामने आई कौन सी, महायान। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दिखाई जाती थी, ठीक है। पहले पहले क्या था कि बुद्ध की मतलब मूर्ति पूजा बौद्ध धर्म में नहीं प्रचलित थी, तो बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों के माध्यम से दिखाते थे। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। जब उन्हें निर्वाण मिला था तो यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसे पीपल के पेड़ की मूर्ति से दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, लेकिन महायान जो उनकी नई धारा आई उसके साथ क्या हुआ, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में, तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। कहाँ पर, मथुरा और तक्षशिला मूर्ति कला के केंद्र, ठीक है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन से शाखा में बौद्ध धर्म की, ठीक है, उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी, तो महायान शाखा में उनकी मूर्ति पूजा की जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया, ठीक है। बोधिसत्व को उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे।
बोधिसत्व में जो आस्था थी उसको लेकर भी परिवर्तन आया। ठीक है, बोधिसत्व किसे कहते हैं? जो ज्ञान प्राप्ति के बाद मतलब जो जब उन्हें ज्ञान मिल जाता है तो वो एक अकेले जगह पर ध्यान साधना करते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। पहले क्या था, जो उनके बोधिसत्व थे वो अकेले रहते थे, ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान साधना करते थे, लेकिन अब जो नई शाखा थी उसमें क्या था, बोधिसत्व खुद के लिए नहीं, वो लोगों के लिए करेंगे कार्य, वो शिक्षा देंगे और सांसारिक परिवेश में ही रहेंगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और इनकी पूजा होने लगी और पूरे मध्य एशिया और चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गई। तो देखिए कुछ परिवर्तन आए, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन आया है, पूछते हैं कि महायान शाखा में क्या क्या होता था। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, इसके साथ क्या हुआ, बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ पश्चिम और दक्षिणी भारत में, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं भी खोदी गई। अब देखिए ये क्या है, सांची के स्तूप का एक चित्र। देखिए ये सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र, एक मूर्ति चित्र है सांची का। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो, मूर्तिकार ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई थी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई। तो ये देखिए यहाँ पर उसने दिखाया है मूर्ति से कि इसके नीचे उनको बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो गुफाएं बनाई गई, इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी, कुछ व्यापारियों और कृषकों द्वारा। तो देखिए जो धनी लोग होते थे वो इनके लिए गुफाएं बनवाते थे। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी, जो हमारा पश्चिमी घाट है पश्चिम की तरफ। ठीक है, वहाँ के जो दर्रे हैं उनके पास उनके लिए गुफाएं बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इनसे जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ठीक है, जो वहाँ के देखिए दक्कन के साउथ में जो इम्पोर्टेंट वो थे बंदरगाह पोर्ट, ठीक है, उनको जोड़ने वाली जो सड़कें थी वो इन दर्रों से होकर जाती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। तो जो व्यापारी होते थे वो क्या करते थे, जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुफाएं बनाई गई थी उनमें वो मठ थे उनमें विश्राम भी करते थे। देखिए बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र, ठीक है, ये वाली जो लेफ्ट साइड वाली है वो मथुरा में बने हुए बुद्ध का चित्र है। और देखिए दाएं क्या है, तक्षशिला में बनी मूर्ति। अब ये जो राइट साइड वाली है वो तक्षशिला में बनी है। देखिए इन दोनों में अंतर है कुछ। ठीक है, इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानता और क्या क्या भिन्नता है। तो आप देख सकते हैं कि पीछे जो प्रभा मंडल बना हुआ है ना, उसमें और वस्त्रों में काफी अंतर है। इसके बाद देखिए बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। तो बौद्ध धर्म जो है दक्षिण पूर्व में भी काफी फैल गया था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तो ठीक है, थेरवाद भी एक बौद्ध धर्म का रूप था जो इन क्षेत्रों में प्रचलित था। अब देख सकते हैं कार्ले की गुफा महाराष्ट्र, ये भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनी हुई गुफा है कार्ले की गुफा, और कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे, बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। ठीक है, जो तीर्थयात्री थे वो भी जाते थे। देखिए व्यापारी जाते थे काफी दूर दूर, उनके साथ तीर्थयात्री थे वो भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री वह स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। तो व्यापारियों के साथ तीर्थयात्री भी जाते थे और तीर्थयात्री जो पवित्र स्थानों पर जाते हैं, आपको पता है जो भी अभी हमारे बड़े मंदिर हैं उन पर जाने को और उन सबको क्या बोलते हैं, तीर्थयात्रा के लिए लोग जा रहे हैं, तो उससे याद रखिए। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन काफी प्रसिद्ध है। इसी तरह क्या है, भारत पर एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री आया, ठीक है, चीन से, उसका नाम क्या था, फाशियान। कई अलग अलग नाम भी मिल सकते हैं, अलग अलग लिखे हुए, ठीक है, कई बार फाइयान पढ़ते हैं, कुछ इसी तरीके का इनका सिमिलर प्रोनंसिएशन होता है। वह करीब 1600 साल पहले आया था, श्वेन सांग, इसको कभी कभी ह्यून सांग भी लिखा जाता है, 1400 साल पहले भारत आया, उसने करीब 50 साल बाद पहले भारत आया उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। ठीक है, तो कौन कौन आए थे, फाशियान आया था, हेनसांग उसके बाद आया था, उसके बाद आया था इत्सिंग, ये कब कौन थे, ये चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। तो देखिए जब बौद्ध धर्म बाकी देशों में फैला तो वहाँ से यात्री आते थे बौद्ध धर्म की चीज़ों को देखने के लिए।
बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। तो देखिए, जो तीर्थयात्री आते थे वो जो भी यात्रा में जो भी उन्हें दिखता था सबका वर्णन वो लिखते थे। फाशियन चीन वापस कैसे लौटा? फाशियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। ठीक है, एक ये स्टोरी दी हुई है, इसमें समझना कुछ नहीं है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि फाशियन था वो चीन कैसे लौटा था, तो वो बंगाल से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाशियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया पर अपनी उन पांडुलिपियों बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अतः 13 दिनों बाद आंधी रुक गई। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। तो देखिए, ये कि तूफान के बाद भी उसने अपना जो पांडुलिपि थी उनको नहीं फेंका। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीनों के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुँचा। ठीक है, वापस चीन चला गया। श्वेनसांग भू मार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। देखिए, पहले वो ये समुद्र से लौटा था। ठीक है, फाशियन, और जो श्वेनसांग था वो कहाँ से लौटा था, वो जो हमारा उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है मध्य एशिया, वहाँ से लौटा था। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से अधिक पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया था। तो इसने काफ़ी चीज़ें बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई एकत्र की और उन्हें अपने साथ ले गया। ठीक है, जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई, अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। तो देखिए, उसने अपना पूरी लाइफ में क्या किया, जो उस पांडुलिपियाँ ले गया था उसका संस्कृत से चीनी अनुवाद में करता रहा वो। देखिए क्या हुआ था ना, कि वो जा रहा था तो वो 600 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ लेकर जा रहा था। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, 50 पांडुलिपियाँ जब उसकी नाव पलट गई नदी के पास, सिंधु नदी के पास, तो उसमें डूब गई और कुछ बच गई थी। ठीक है, जिसका उसने अनुवाद किया चीनी भाषा में। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। ठीक है, नालंदा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। देखिए, श्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या के नालंदा में अध्ययन किया। तो जो श्वेनसांग था, ठीक है, उसने कहा नालंदा जो है बिहार में बौद्ध विद्या का एक बहुत बड़ा केंद्र, वहाँ पर उसने अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा, यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त है जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, इससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं, उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। ठीक है, तो यहाँ पर भी जैसे कि एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, इसी तरीके से यहाँ पर भी होता था नालंदा में। वो बाहर से ही पूछ लेते थे, आपको ये क्वेश्चन आते क्या आंसर पता है, तो आप अंदर जाइए। देखिए, भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की ये प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे। तो ठीक है, भगवान जो अलग देवी देवता थे हिंदू धर्म में, उनकी भी पूजा स्टार्ट हुई, जिसमें कौन थे, शिव, विष्णु और दुर्गा। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परम्परा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय प्रसिद्ध लोकप्रिय परम्परा बन गई। किसी देवी या देवता की प्रसिद्ध देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई देवता है उनके प्रति हमारी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है तो उसको हम भक्ति कहते हैं। तो उस वक्त भक्ति की जो परंपरा थी वो ज़्यादा चल रही थी। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। तो देखिए, जो भक्ति का पथ है इसमें अच्छी बात क्या है कि ये सबके लिए ओपन है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद्गीता में की गई है। भगवद्गीता में इसका उदाहरण मिलता है। भगवद्गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। ठीक है, तो जो भगवद्गीता है वो महाभारत का हिस्सा है। और इसमें क्या है, भगवान कृष्ण है वो अपने भक्त और अर्जुन को क्या कह रहे हैं,
कि आप सारे धर्म छोड़ के हमारी शरण में आ जाइए, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते थे। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देशों के विभिन्न भागों में फैलने लगा, तो यह और भागों में भी फैला। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। इसमें देखिए आडंबर पर ध्यान नहीं देते थे, इसमें भक्ति मार्ग में क्या करते थे, ईश्वर के प्रति आपकी लगन होना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और व्यक्तिगत पूजा पर जोर दिया जाता था। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर आपके आराध्य देवी और देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी और देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़, अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा संस्कृति में स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें क्या मानते थे कि आप भगवान की सच्चे मन से पूजा करेंगे तो अपने जिस रूप में देखेंगे, अगर आप अपने पेड़ के रूप में देखेंगे तो आपको पेड़ के रूप में दिखेंगे, अगर आप उन्हें जानवर के रूप में देखेंगे तो आपको जानवर के रूप में दिखेंगे, या मनुष्य के रूप में देखेंगे तो मनुष्य के रूप में दिखेंगे। तो जैसा आप अपने मन में मानेंगे वैसे वो आपको दिखेंगे। इस तरीके से क्या हुआ, देखिए अभी कितने तरीके के हिंदू धर्म में देवी देवता होते हैं, ठीक है, तो वो इसी विचार से आए, इसी तरीके से उनके अलग अलग मूर्तियां बनने लगी। वारा के रूप में विष्णु, ठीक है, एरन मध्य प्रदेश की एक शानदार विष्णु सॉरी मूर्ति विष्णु के वारा रूप की है, ठीक है, सॉरी देखिए ये जो मूर्ति दी हुई है वारा के रूप में विष्णु की मूर्ति है। एरन मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वारा रूप की है। विष्णु का एक रूप था वारा, उसकी ये मूर्ति है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश एरन से मिली। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वारा रूप धारण किया, ठीक है। अब पृथ्वी क्या है, पानी में डूब रही थी, तो उसको बचाने के लिए विष्णु जी ने वारा का रूप लिया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, तो ये मूर्ति है कि जो विष्णु जी हैं वो बचा रहे हैं, देख लीजिए आप अच्छे से। और ये मध्य प्रदेश के एरन से प्राप्त हुई है। देखिए भक्ति, भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुखों को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता की भक्त का हिस्सेदार होता है। देखिए ये पूछा जा सकता है कि भक्ति जो परंपरा है इसका अर्थ क्या है, ठीक है, तो यही होता है कि अगर आप मन से मानते हैं भगवान को, है ना, कर्म कांडों के अलावा अगर भगवान के प्रति झुकाव है तो उसको ही भक्ति कहते हैं। भगवत का अर्थ यह भी है कि मतलब जो अपने ऐश्वर्य और सुखों को भक्ति के साथ बांटता है, मतलब वह भगवान जो अपने सुखों को भी भक्तों के साथ बांटता है, ये इसका अर्थ है। एक भक्त द्वारा लिखी गई कविता, ये आप पढ़ लीजिए, मैं स्किप कर रही हूँ, सॉरी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन ऐश्वर्य या ऊंचे पदों के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखी गई, ये आपको मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि अपार द्वारा जो शिव भक्त था उस तमिल में कविता लिखी का ये अंश है। अपार एक बिल्लाल था, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था पिछले टॉपिक में जो कृषक थे उनके बारे में। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उनकी आराधना करूंगा क्योंकि वे मेरी ईश्वर समान है। तो उन्होंने एक कविता लिखी है, इसमें ये इसलिए मैंने आपको बता दी क्योंकि ये किस अपार ने लिखी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था, इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। आपको ये तो अच्छे से पता होगा, जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति रखी होती है उसको मंदिर कहते हैं। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी, ठीक है, और भक्ति परंपरा से कई कलाएं भी प्रसिद्ध हुई जैसे चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है, ठीक है, हिंदू शब्द कहाँ से निकला है, सिंधु या इंडस से। यह शब्द अरबों और ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। देखिए हिंदू शब्द शुरू से नहीं था, है ना, ये अरबों और ईरानियों ने यूज़ किया था, और किसके लिए, जो लोग सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे ईस्ट साइड, उनके लिए यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि शुरू से हिंदू वर्ड नहीं था।
ये भी पढ़ लीजिए, अन्यत्र क्या हुआ था, करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ठीक है, पश्चिम जो एशिया है उसमें ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। उन्होंने उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे वह पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गया। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तटों पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। ठीक है, केरल के ईसाइयों को सीरिया ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। केरल के जो ईसाई है वो सबसे पुराने ईसाई हैं क्योंकि वो सीरिया ईसाई हैं, क्योंकि वे पश्चिम एशिया से आए थे। ठीक है, तो इतना ही हमारे लिए इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको कुछ इसमें डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।